लोग डेमोक्रेसी का सीधा सीधा अनुवाद लोकतंत्र कर देते हैं तो वो तो कतई गलत है, क्योंकि जो डेमोस शब्द है ग्रीक भाषा का, जिससे कि अंग्रेजी में डेमोक्रेसी शब्द बनता है, और जो हमारे यहाँ लोक शब्द है, उनमें तो जैसे कि जिसको कहते हैं कि देयर इज ए वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द टू टर्म्स, बिल्कुल काले और सफेद वाला अंतर। और ये बात सही है कि भारत में डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र जैसी कोई चीज है तो वो तो नहीं है। डेमोक्रेसी तो जरूर है, क्योंकि डेमोस का मतलब होता है अनकल्चर्ड मॉब, असंस्कृत अपरिष्कारित भीड़, जिसको सिवाय रोजी रोटी के किसी और चीज से मतलब नहीं, जिसको एरिस्टोटल ने डेमोस को परिभाषित किया पुअर मैन्स रूल। तो पुअर होना हमारी संस्कृति में तो इस तरह की शब्दावली के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो जिसको कि आजकल आप गरीब, आजकल की जो प्रोलेटेरियट शब्द तो आजकल बन गया है ना, गरीब का मतलब प्रोलेटेरियट, हमारे यहाँ तो ये इस तरह की शब्दावली कभी महत्वपूर्ण नहीं रही, जिस तरह की डिस्टिंक्शन आज माने जाते हैं, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर भी व्यक्ति था वो भी बड़ा सुसंस्कारित व्यक्ति था, परिष्कारित व्यक्ति था, उसके पास धन संपत्ति कितनी थी इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इतना संस्कारवान, इतना सभ्य, इतना समझदार व्यक्ति था, अगर हम अपने इतिहास में परंपरा में इस चीज को देखें तो डेमोस तो ये है, द रूल ऑफ द पुअर हु आर नेसेसरली न्यूमरस, एरिस्टोटल लिखता है कि उन्हीं की संख्या ज्यादा होती है जो संस्कारहीन लोग होते हैं, ऐसे लोगों का शासन डेमोक्रेसी है। और इसीलिए आप जानते हैं कि पाश्चात्य चिंतन परंपरा में के जो संस्थापक दार्शनिक हैं सॉक्रेटिस और प्लेटो, दोनों लोकतंत्र को भ्रष्ट और विकृत शासन प्रणाली हमेशा मानते थे। तो वो जो डेमोस है उसका अनुवाद अगर हम लोग कर रहे हैं तो ना तो हम उनको समझ रहे हैं ना अपने को समझ रहे हैं, मेरा पहला तर्क तो ये है। लोक का क्या अर्थ है अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि यही जो डेमोस है ये 17वीं 18वीं शताब्दी में यही डेमोस जो है वो मास मैन बनकर इमर्ज करता है, और इसका उल्लेख स्वयं यूरोप के एक बहुत बड़े दार्शनिक माइकल ऑक्शॉट ने अपनी रचनाओं में किया है कि कैसे ये मास मैन मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो सब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, कैपिटलिज्म आया, जब वहां के लोग बिल्कुल अपनी जड़ों से टूट गए, क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल दूर हो गए और एक नई सभ्यता, एक जिसको कि आप आधुनिकता कहते हैं, मॉडर्निटी कहते हैं, इसका आगमन हुआ, तो व्यक्ति जितने भी उसके कॉम्युनल बॉन्ड्स थे, यानी जो सामूहिकता जीवन की थी, संबद्धता जो जीवन की थी, वो सब धीरे धीरे बिखर गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और हर व्यक्ति अकेला रह गया, इंडिविजुअलिज्म आया। आप जानते हैं कि यूरोपीय चिंतन परंपरा में उसको व्यक्तिवाद कहते हैं। ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को केवल अपने से मतलब है, अपनी सुख सुविधाओं से, अपने हितों से, या थोड़ा सा अपने जो निकट परिवार के लोग हैं उनसे, उसको किसी सभ्यता किसी संस्कृति का वो अंग नहीं है, वो अपने में स्वपर्याप्त है, जिसको लिबरल थ्योरी में कहते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग इंडिविजुअल, अनएनकम्बर्ड इंडिविजुअल जिसको कहते हैं लिबरल थ्योरी में, कि व्यक्ति अपने में अकेला पर्याप्त है, उसको किसी की जरूरत नहीं। तो ये जो लोकतंत्र आया, लिबरल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, वो इस व्यक्ति का लोकतंत्र है जिसको मासमैन कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा शब्द नहीं है, पेजोरेटिव टर्म है। तो इस मासमैन की डेमोक्रेसी ये बनी कि पहले तो आप अपनी सारी जड़ों से, सारे बंधनों से कट गए, अकेले रह गए, अब इन अकेले लोगों को कैसे यूनाइट किया जाए,
तो पहले तो कहा कि राज्य की शक्ति के द्वारा यूनाइट किया जाए, अब क्योंकि अकेले रहने से समाज में काम चलता नहीं है तो अब एक फोर्स्ड पार्टिसिपेशन किया जाए, ऊपर से लादा हुआ सहभागिता की जाए और इस तरह से समाज का काम चले। तो मेरा कहना यह है कि जो धारणा ही मूल रूप से दोषपूर्ण है, उस धारणा में कोई पार्टिसिपेशन पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो आधार सेपरेशन है। इस लिबरल डेमोक्रेसी का जो बेसिस है वो पृथकत्व है। आजकल के भी दार्शनिक कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के रॉबर्ट नाजिक वगैरह, जिसको क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल इज इनवायलेबल, व्यक्ति अपना व्यक्ति अनुल्लंघनीय है, इनवायलेबल है, इतनी पवित्रता व्यक्ति की। क्या भारतीय संस्कृति व्यक्ति केंद्रित है, इंडिविजुअल केंद्रित है? जाहिर नहीं है। हमारे यहां तो ऊपर से नीचे तक एक विराट श्रृंखला है संस्थाओं की, संबंधों की, और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, जिसको जयप्रकाश जी ने कहा कि वो सामुदायिक राज व्यवस्था की संस्कृति है, एक कम्युनिटी लाइफ है, तमाम कम्युनिटीज हैं, कम्यून्स हैं, उनके बीच एक वेव ऑफ रिलेशनशिप्स है, वहाँ व्यक्ति बिल्कुल अकेला नहीं, वो हर समय जुड़ा हुआ है दूसरे से, हर समय पार्टिसिपेट कर रहा है वो उस कम्युनिटी लाइफ में। तो ये भारतीय दृष्टि है कि जिसकी कि अरविंद घोष ने अपनी जो उनकी पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें जिसका उन्होंने जिक्र किया, जो हमारे यहाँ गणतंत्र थे वो इस अर्थ में गणतंत्र थे। ये जो हम लोग आजकल की डेमोक्रेसी के बेसिस पर भारत के प्राचीन गणतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक और बहुत बड़ी फैलेसी है। जो वोट सेंट्रिक, इलेक्शन सेंट्रिक, पार्टी सेंट्रिक डेमोक्रेसी जो आज की है, इसको हम प्राचीन भारत में भी तलाश लेते हैं, जो वहां मिलने वाली नहीं, कि जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम काली बिल्ली को तलाशें, तो वो तो वहां पर है ही नहीं। तो ये जो आजकल के थोड़ा सा भारतीयता तो बहुत हमारा आधार ही है, लेकिन ये थोड़ा जो भारतीयता का के प्रेम में और आधुनिकता को बगैर छोड़े हम ये जो हर आधुनिक चीज को प्राचीन भारत में जो तलाशने लग जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है। इसके मतलब है कि आप स्टैंडर्ड तो आधुनिकता को मान रहे हैं, मानदंड तो आज को मान रहे हैं, अपनी सभ्यता को मानदंड नहीं मान रहे। आप अपनी सभ्यता के प्रकाश में आज को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आधुनिकता के प्रकाश में अपनी सभ्यता को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो फिर कहां भारतीयता, फिर कहां राष्ट्रीयता? क्योंकि इस आधुनिकता की आपकी धर्म संस्कृति से कोई संगति बैठती नहीं, उनके बीच एक विरोधाभास है, जबरदस्त एक अनब्रिजेबल गैप है, एक ऐसा अंतराल है जिसको आप पाट नहीं सकते। तो लोक कौन है? आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में लोक, आलोक, ये सब प्रकाश के अर्थ में लिए जाते हैं। किसको लोक कहेंगे? जिसके अंदर प्रकाश है। किसका प्रकाश है? परंपरा का, संस्कृति का, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का, उसको लोक कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी बड़ा चरित्रवान, जिसको कि मनुस्मृति में ने कहा कि इस देश में जन्म लेने वालों की प्रतिष्ठा विश्व में है, लोग चरित्र में उनका उदाहरण देते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य, कि इस देश में जिनका जन्म हुआ उनके चरित्र को संसार में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वो किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहे थे, वो जन जन की बात कर रहे थे कि जो साधारण जन है, जन सामान्य में ये मूल्य, ये प्रकाश विद्यमान है, अनुसूत है। तो एक तो लोक का, तो इसलिए डेमोक्रेसी, डेमोस का जो अर्थ होता है वो लोक का अर्थ नहीं होता। लोक एक बहुत ही सुसंस्कृत, सभ्य, जागृत, उदार मना जन समूह है, जो कि किन्हीं आदर्शों के लिए जीवन जीता है। पहली बात तो ये है। अब इस प्रकार का जो जन समूह है,
उसके लिए तो संपूर्ण जीवन ही एक पार्टिसिपेशन है। उसको कोई आजकल की तरह, अब जैसे कि अभी डॉक्टर शीला राय जी ने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अब जब डेमोक्रेसी की तमाम कमियां उजागर होने लगी आधुनिक पश्चिमी सिद्धांत में, तो अब उसको धीरे धीरे करके एक एक करके कमी को ढूंढा गया और पूरा करने की कोशिश की गई। अभी सहस्त्र बुद्ध जी ने कहा कि कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है लोकतंत्र में नेतृत्व का, और बर्क का उन्होंने उदाहरण दिया। बर्क ने अपने मतदाताओं से, ब्रिस्टल से वो चुनाव लड़ते थे और भरी सभा में कह देते थे कि आई ओ टू यू माई इंडस्ट्री नॉट माई जजमेंट, कि आपकी सेवा करने में पूरी जान लगा दूंगा लेकिन जजमेंट अपने पास रखूंगा, आपके कहने से कोई काम करने वाला नहीं। जो आपके हित में है, कड़वी दवा भी अगर आपके हित में है तो देने में संकोच नहीं करूंगा, चुनाव चाहे मैं जीतूं चाहे हार जाऊं। ये रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत, ये होता है कि लीडरशिप का आइडियल, कि लीडर क्या होता है, जिसको आजकल यूरोप के ही एक बड़े दार्शनिक वोगलिन हैं, वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल लीडरशिप या एग्जिस्टेंशियल रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतिमान होना चाहिए और जन समूह, जनता के बीच भी उन्हीं राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ को स्थापित करने का प्रयास उसे करना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव है। और भारत में कभी पार्टिसिपेशन को सीमित अर्थ में नहीं रखा गया कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पूरी संस्कृति ही प्रतिसहभागिता है। हमारे तीज त्योहार, उत्सव, रोजमर्रा का जीवन, ग्राम पंचायत की बैठकें, ये सभी तो पार्टिसिपेशन है। केवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कोई पार्टिसिपेशन थोड़ा होता है, पार्टिसिपेशन को भी हमने इतना संकीर्ण बना दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ संपूर्ण जीवन ही सहभागिता है, कोई अलग से सहभागिता को नहीं तलाश करना है। इसलिए जो आज यूरोप से जो सिद्धांत आया पार्टिसिपेशन का, हम समझते हैं कि इट इज स्ट्रेंजर टू इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के साथ तो इसका कोई संबंध ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस सभ्यता में संपूर्ण जीवन को ही एक पार्टिसिपेशन माना गया, फेलोशिप माना गया, कॉमनवेल्थ माना गया, ये तो उनके लिए सवाल है कि जिन्होंने पहले तोड़ा अब फिर उसको आर्टिफिशियली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एलिनेशन पैदा किया, अलगाव पैदा किया, अब वो पार्टिसिपेशन के द्वारा उसकी समस्याओं से जुटना, कृत्रिम सहभागिता से उसके प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं। तो इसलिए जो भारतीय दृष्टि होगी लोक की और सहभागिता की, और इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, आजकल की जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं या जिला पंचायतें हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये भारतीय दृष्टि से पुरानी जो पंचायत व्यवस्था थी उसके प्रतिनिधि हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो ब्रांचेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, ये कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो ये है कि लोगों के अंदर इतनी चरित्र की शक्ति हो, विचार की शक्ति हो, कि हर स्तर पर वो अपने मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकें किसी पर निर्भरता के बिना, और ये जो श्रृंखला है वो नीचे से ऊपर तक व्याप्त हो, और राज्य की कम से कम जीवन में भूमिका हो। भारतीय जो दृष्टि है वो धर्म समाज उसके केंद्र में है, राज्य नहीं है, राज्य तो हाशिए पर है भारतीय व्यवस्था में। डिसेंट्रलाइजेशन राज्य नहीं पैदा कर सकता, आपकी जीवन की शैली से पैदा होता है, आपके समाज के मूल्यों से पैदा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर से नहीं आता है, डिसेंट्रलाइजेशन हमारी अपनी ऑटोनॉमी से पैदा होता है, जिसको गांधी जी कहते थे कि अगर आप मॉरली ऑटोनॉमस हैं तो आपके ऊपर आपको क्या जरूरत है किसी से मार्गदर्शन लेने की या किसी कंट्रोल की आपको क्या जरूरत है। तो जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिटेरियन पॉलिटी की जिसकी वकालत की, जब हमारा अभी उल्लेख आया जो हमारा संविधान बना, कौन सा संविधान आपने बनाया, जयप्रकाश जी ने उसी के विकल्प में एक पुस्तक लिखी थी,
The reconstruction of Indian polity, भारतीय राजव्यवस्था का पुनर्निर्माण, उसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि लोक क्या है, लोक शक्ति क्या है, विकेंद्रीकरण का सम्यक अर्थ क्या है। तो इसलिए इन चीजों की ओर वापस जाने की आवश्यकता है, पश्चिम से नए सूत्र तलाश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा देने को है नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी।